ahead. और हम सबसे विभाजित होंगे उनके माध्यम से हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कि वो आपको संबोधित करें। ओवर टू प्रदीप सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले इस विशेष पत्रकार वार्ता में माननीय देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, महाराज जी, आप सबका स्वागत है। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता को इतना जल्द क्यों बुलाना पड़ा? उत्तराखंड की देवभूमि ऐतिहासिक है। उत्तराखंड की देवभूमि देश की संस्कृति और संस्कार की द्योतक है। उत्तराखंड की देवभूमि ने इस देश को हमेशा आध्यात्म, हमेशा संस्कार, हमेशा संस्कृति, हमेशा प्रगति और विकास का पाठ पढ़ाया है। उस उत्तराखंड की देवभूमि में सत्ता लोलुपता, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता की मलाई बांटने की होड़, रोज बदलने वाले मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विफलता का रोजमर्रा का उदाहरण बनता जा रहा है। 2017 में एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया, पर 5 साल में उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय, मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से सत्ता को तोड़ मरोड़ कर जबरन सत्ता पर कब्जा करने का धंधा हुआ, जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन हुआ, जिस प्रकार से सत्ता की बंदर बांट हुई, जिस प्रकार से मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों का वितरण हुआ, जैसे जैसे किसी प्रकार से वहां सत्ता ना हो सेवा का माध्यम, बल्कि सत्ता की मलाई का माध्यम हो, यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और इसके लिए अगर कोई जुम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी जुम्मेवार हैं, जिन्होंने 4.5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबांट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे, भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज 9:30 के बाद चुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। याद करिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक ही विधानसभा में
पहले मदन लाल खुराना जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्हें बदलकर साहब सिंह वर्मा जी को बनाया, फिर बदलकर सुषमा स्वराज जी को बनाया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ही टर्म में उमा भारती जी को बनाया, बाबूलाल गौड़ जी को बनाया, फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। कर्नाटक में एक ही टर्म में यदुरप्पा जी को बनाया, सदानंद गौड़ा जी को बनाया, फिर जगदीश खट्टर साहब को बनाया। और अब फिर कई प्रांतों में वो बार बार खिलौनों की तरह मुख्यमंत्रियों को बदलते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और मेरे आदरणीय साथी देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, महाराज साहब और टेलीफोन के माध्यम से, क्योंकि उन्हें बहुत बुखार है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। पर सत्ता की लोलुपता, बंदर बांट सत्ता की, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो खनिज हैं, अन्य रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन केवल यही भाजपा ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन अब शर्मसार हो गया है, वो पूरी तरह से नैतिक संविधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को कि देवेंद्र यादव जी अपनी बात कहेंगे, फिर प्रीतम सिंह जी अपनी बात कहेंगे और दूसरे आदरणीय साथी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आज विशेष तौर से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, आज यदि इस प्रकरण के बारे में चंद शब्दों में अगर इसको समेटने की कोशिश करूं, तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही और नासमझी का परिणाम है कि आज मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं ये सेकंड लीडरशिप की लापरवाही और नासमझी इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से ढकेलने का इन्होंने काम किया है, ये स्पष्ट बताता है कि माननीय टीएसआर वर्ग की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया TSR2 को नॉमिनेट करने के रूप में, उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 151A को मैं समझता हूं कि ध्यान से पढ़ा नहीं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि यदि 1 साल के अंदर अंदर जनरल इलेक्शंस हो तो उसमें किसी भी चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव उस 1 साल के दौरान हो नहीं सकता। ये सारी जानकारी मैं नहीं समझता कि यदि ध्यान से देखकर समझकर फैसला लिया जाता तो पहली बात तो 57 मेंबर के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनकर उत्तराखंड के ऊपर थोपा गया जो विधानसभा के किसी भी विधानसभा का मेंबर नहीं था, और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनकर दोबारा से सरकार में आना पड़ेगा, विधानसभा में आना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है। और
मैंने कहा कि ये जो वहां का स्टेट लीडरशिप है उसका षड्यंत्र भी मैं कहना चाहूंगा, और षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी एक साल से पहले जब सर्ट उपचुनाव हुआ तो एक मौका था पीएसआर को टू को चुनकर विधानसभा में जाने का, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तैयारियों से और हार के डर से टीएसआर वन ने उस समय सल्ट उपचुनाव से भागने का प्रयास किया, और आज एक ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को लाकर खड़ा कर दिया जहां पर स्पष्ट रूप से एक अस्थिर सरकार और एक फेलियर सरकार के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है। जब मैं इन 5 साल के दौरान भाजपा ने जहां 2 प्रयोगात्मक मुख्यमंत्री देने का काम किया, उत्तराखंड के ऊपर थोपने का काम किया, अब तीसरे की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं मैं यदि ये कहूं कि उत्तराखंड एक खुशहाल प्रदेश आज से 4.5 साल पहले उस खुशहाल प्रदेश को बदहाल करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ये तीसरे मुख्यमंत्री की तैयारी कर रही है। और जब मैं खुशहाल से बदहाल की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा बेरोजगारी का। आप सब जानते हैं कि 4.5 साल में, आज से सिर्फ मात्र 4.5 साल पहले, उत्तराखंड की बेरोजगारी का दर 1.5% था, आज 800% बढ़कर वो बेरोजगारी की जो दर है वो आज 11% पर पहुंच गई है। और यदि भ्रष्टाचार की जहां टीएसआर टू को इन्होंने दोबारा से जब नियुक्त किया तो टीएसआर टू के भी तीरथ सिंह रावत जी के, वो कहते हैं कि पूत के पाग जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं, उनके शुरू के अनर्गल बयानों के अलावा जो उन्होंने अनर्गल बयान दिए उसके अलावा, मैं समझता हूं कि आज एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो महाकुंभ के रूप में जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार महाकुंभ के दौरान हमारे सामने आया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा ना सिर्फ धार्मिक आस्थाओं के ऊपर बल्कि भ्रष्टाचार की मैं कहूंगा कि पराकाष्ठा हुई है कि महाकुंभ के दौरान कोरोना की जांच के दौरान, कोरोना की जांच के अंदर जो महाघोटाला सामने आया है वो सबके सामने है। और इसी प्रकार से यदि मैं इस 4.5 साल की बात कहूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, इसी 4.5 साल के दौरान जहां सरसों का तेल 7वें आसमान को छूते हुए आज 200 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध हो रहा है, वहीं डीजल और पेट्रोल कभी भी 100 के पार जा सकता है उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर। और रसोई गैस की बात मैं बात करूं, एक महिला की रसोई की बात करूं तो वो लगातार पिछले 1 साल से लगातार एलपीजी के दाम, जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसको बढ़ाया जा रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण यदि मैं चर्चा करूं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए एक मुहावरा जो आम लोगों में जो प्रचलित है, बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से, उसको चरितार्थ करते हुए इस 4.5 साल के दौरान जहां संगठन के साथ साथ सरकार के भी नुमाइंदों के खिलाफ आज उत्तराखंड के अंदर एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके लोगों को बरगलाने की कोशिश, ये मुख्यमंत्री बदलों का खेल खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन सभी मुद्दों से मैं समझता हूं कि अपने को अलग रखने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रही है। मुझे यहां
बोलते हुए कोई वो नहीं कि संगठन महामंत्री संजय कुमार के खिलाफ रेप का केस, महेश नेगी जो एमएलए वहां से द्वारहाट से हैं उत्तराखंड के, उनके खिलाफ केस, रेप का केस, लगातार इन लोगों को मौका देती हुई कोर्ट की कार्रवाई से बचते हुए हम और आप लगातार देख रहे हैं। और हाल फिलहाल में ज्वालापुर के जो मौजूदा विधायक हैं सुरेश राठौर जी के खिलाफ कल एक एफआईआर रेप केस की दर्ज हुई है कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मेरा आप सब से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आज कोरोना के महाकाल के दौरान जहां इसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, लोगों को रोजगार देने का काम करे, लोगों के घरों की रसोई को सस्ता करे, उन तक रसोई गैस खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करे, वहां आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और एकमात्र यदि कोई काम कर रही है तो वो मुख्यमंत्री बदलो का खेल खेल रही है। ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है और मैं इस पूरे प्रकरण की जहां भर्त्सना करता हूं वहीं उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि देगा और उत्तराखंड की भलाई के लिए जो 6-8 महीने इनके बचे हैं उसमें इनको सद्बुद्धि देने का काम करे, यही मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद साथियों। अब मैं माननीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद प्रभारी जी। सम्मानित साथियों, अभी आदरणीय सुरजेवाला जी ने और हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने बड़े विस्तार से उत्तराखंड के हालातों के संबंध में आपको अवगत कराने का काम किया है। और सुरजेवाला जी से, देवेंद्र यादव जी से अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि कल जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया, उस त्याग पत्र के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि संवैधानिक कारणों से मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र देना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश और देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, अगर वो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो 6 माह के अंतर उसको सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को एक मौका मिला था कि सल्ट विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ करके सदन के सदस्य बन सकते थे और जो संवैधानिक संकट का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इस संवैधानिक व्यवस्था से बचा जा सकता था और उत्तराखंड को अस्थिर करने से भी बचा जा सकता था। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से
बेनकाब हुई है। और मैं कह सकता हूं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड की सरजमी पर आकर के उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को विकास के रास्ते में आगे ले जाने का काम करेंगे। और मुझे याद है और आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार बनते ही हम सबसे पहले किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। आज 4.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन किसानों का ऋण आतिथि तक माफ नहीं हुआ है। हमने इस विषय को सदन के अंदर भी उठाने का काम किया, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णीय नींद में सोई रही। दूसरा वादा क्या था कि हम सत्ता में आएंगे और नौजवान साथियों को कहा था, आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो देश के प्रधानमंत्री जी देश के नौजवान साथियों से कहते थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन स्थिति आपके सामने है। इसी तरीके से उत्तराखंड के नौजवान साथियों को भी देश के प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिग्भ्रमित करने का काम किया कि यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता आपके सामने है, पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में नंबर 1 पर खड़ा है। ये हालत, ये स्थिति है। नौजवान साथी सरकार से रोजगार मांगने का काम कर रहा है, लेकिन सत्ता के मद में चूर सरकार नौजवान साथियों पर लाठी प्रहार करने का काम कर रही है। ये हालत, ये स्थिति है। सही कहा अभी देवेंद्र यादव जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से मातृशक्ति की अवमानना करने का काम किया है, उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। लेकिन मैं उन 3 किस्सों का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री पर उन्हीं की पार्टी की एक महिला ने यह आरोप लगाया कि संगठन महामंत्री जी द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। FIR दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद एक महिला ने एक विधायक पर आरोप लगाया कि विधायक जी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और एक बच्ची को भी जन्म दिया। वो महिला चीख चीख करके कहती रही कि DNA टेस्ट कराया जाए, लेकिन सरकार ने उस जांच को भी दबाने का काम किया। अंतोगत्वा हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि DNA टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक DNA टेस्ट नहीं हो पाया है। और ताजा प्रकरण तो कल ही का है कि विधायक के ऊपर उन्हीं की पार्टी की महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने उनका यौन शोषण किया। FIR दर्ज करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस महिला की आवाज को नहीं सुना। अंतोगत्वा महिला को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि महिला की FIR दर्ज की जाए और विधायक के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हालत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है। ये कहा था सत्ता में आते वक्त कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और मुझे याद है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
संबोधित की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 4.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। जब लोकायुक्त बिल जो है सदन के अंदर लाया गया तो कांग्रेस के हम तमाम साथियों ने कहा कि जिस स्थिति में भी आप लोकायुक्त बिल लाए हैं हम इसको पारित करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा यह कहा गया कि बिल को जो है प्रवर समिति को भेज दिया जाए और 1 महीने में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी, हम लोकायुक्त लाएंगे। लेकिन आज हालात ये है कि लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं है। हरिद्वार के अंदर कोरोना की महामारी के दौर में महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ में जिस तरीके से टेस्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार हुआ वो आपके सामने है, लेकिन इसके इतर उस महाकुंभ से पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को भी खोने का काम किया। उत्तराखंड की सरकार हत्यारी सरकार है और हमारा कहना है कि ऐसी सरकार पर निश्चित रूप से जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हालत, ये स्थिति है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है, हालात बद से बदतर है, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। चाहे मैं महंगाई का जिक्र करूं या अन्य चीजों का जिक्र करूं, ये हालात उत्तराखंड राज्य के अंदर और सरकार मुख्यमंत्रियों को बदलने में लगी हुई है। पहले मुख्यमंत्री को भाजपा ने ही अक्षम साबित किया, 4 साल बाद मुख्यमंत्री हटा दिया जाता है, दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। हम समझते थे शायद मुख्यमंत्री जी पूरा कार्यकाल करेंगे, लेकिन 6 महीने से पूर्व ही मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। और जो अंतर विरोध सरकार में हमने देखा, जब नए मुख्यमंत्री जिन्होंने कल त्याग पत्र दिया, जब कुंभ के बारे में या अन्य चीजों के बारे में उनसे प्रश्न किए जाते थे तो वो कहते थे ये तो पूर्व मुख्यमंत्री के जमाने का मामला है, हमारे सरकार के समय का नहीं है या मेरे कार्यकाल का नहीं है। ऐसा लगता था उत्तराखंड राज्य के अंदर जैसे पहले किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार हो, अब भाजपा की सरकार हो। आज उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। भाजपा ने उत्तराखंड राज्य को राजनीतिक रूप से अस्थिर करने का काम किया है और लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। 2022 आएगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, इसके लिए और कोई नहीं, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा भाई करण महाराज जी, जो डिप्टी लीडर हैं हमारे कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के। करण जी। धन्यवाद माननीय देवेंद्र यादव जी। मैं अपने आप को सूर्यवाला जी से और अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से संबद्ध करते हुए आप सबका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शुरुआत से ही केवल 11 साल का शासन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में रहा है, जिसमें नित्यानंद स्वामी जी से स्टार्ट अगर हम करें और आज तीरथ जी की समाप्ति पे 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी केवल 11 साल के कार्यकाल में दे चुकी है। और ये इनका ट्रेंड है, सबसे पहले नित्यानंद स्वामी, फिर भगत सिंह कोश्यारी, फिर खंडूरी जी, निशंक जी, फिर भगत सिंह, फिर खंडूरी जी, और उसके बाद त्रिवेंद्र और अब तीरथ। और ये 57 का मैंडेट मिलने के बाद भी इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिस व्यक्ति पर ढेंचा बीज का आरोप लगा हो और हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि इस व्यक्ति के कार्यों से देश को और राज्य को बहुत बड़ी आर्थिकी का नुकसान हुआ है, उसके बाद भी तीरथ
जी से पहले त्रिवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके स्टिंग ऑपरेशन आए, उनके सचिव महोदय घूस लेते हुए कैमरे में पकड़े गए, उनकी पत्नी के बहन के अकाउंट्स में झारखंड से पैसा ट्रांसफर होने के भी सबूत दिए गए, और हाउस में पेन ड्राइव देने के बाद भी कोई समिति का गठन, उसकी जांच या उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अन्य चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया, ना लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। एक ट्रेंड आप लोग ने देखा होगा कि सेंटर से लेके राज्य तक लगभग एक साथ चल रहा है। मैं उसके दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी थाली बजवाते हैं, कंटर बजवाते हैं कोरोना में, दूसरी तरफ हमारा राज्य में मुख्यमंत्री कहता है कि साहब गंगा जी में स्नान करने से कोरोना समाप्त हो जाएगा, जबकि उत्तराखंड की स्थिति इस कुंभ के बाद बहुत भीषण तरीके से खराब हुई, लोगों को बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार में लिप्त NS-74 को आप लोग नहीं भूले होंगे, जिसमें आज भी जांचें चल रही हैं। केंद्र का एक मंत्री सरकार को पत्र लिखता है कि अगर NS-74 में के कार्य में अगर NH के कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो उत्तराखंड राज्य के सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाएगा। इससे गंभीर मामला और नहीं हो सकता कि यूनियन मिनिस्टर राज्य सरकार को निर्देशित करता है कि किसी अमुक व्यक्ति या अमुक लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में भ्रष्टाचार को और ज्यादा ताकत प्रदान करता है। उसके बाद सूर्यधार लेक में के नजदीक जमीनों की खरीद फरीद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की पत्नी और उनके एक मित्र का नाम आगे आया और कागज भी प्रेस और मीडिया के सामने भी है, ये अपने आप में सब साबित करता है कि क्या चल रहा है। दूसरा, इस समय एक चीज और केंद्र और राज्य में एक सी है कि एक तरफ किसान लगातार सड़कों में है, आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ देवस्थान बोर्ड के नाम पर जो एक बोर्ड गठित किया जा रहा है, हमारे पंडित हमारे पुरोहित आज पूरे उत्तराखंड में आंदोलनरत हैं, परेशान हैं। तो सत्ता के मद में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी की कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारों को जिस तरीके से पीटा गया हाल के दिनों में, हाईकोर्ट से लोग जीत के आते हैं, उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए डिमांड करते हैं तो मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया जाता है। विधायक लोग किसानों के मामले को अगर उठाते हैं तो विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उनके क्षेत्र के कामों को रोका जाता है। और जिस तरीके का कुप्रबंध कुंभ के बाद देखने को मिला, कोरोना काल में मिला, कुंभ में अगर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो IMCR के जो नॉर्म्स है उनको दरकिनार करते हुए एक कंपनी जो शरद पंत जी चला रहे हैं, पार्टनर हैं मैक्स कॉरपोरेटिव कॉरपोरेट सर्विसेज के, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं के साथ इनको देखा जा सकता है। उनको IMCR के सारे नॉर्म्स को ताक पर रखकर ये कार्य सौंपा गया, और जिसमें पाया गया कि फर्जी तरीके से लोगों के जो IDs हैं उनको होटल्स से लेकर इस तरीके के टेस्टों की रिपोर्ट बनाएगी, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की जो है भुगतान सरकार के माध्यम से की गई। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मेरे सीनियर्स ने अपनी बात को रखा है, और निश्चित ही ये जांच का विषय है कि हर उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद काम क्यों नहीं होता। हाईकोर्ट के निर्देश हुए कि महेश नेगी जी का DNA टेस्ट किया जाए, आज के दिन तक भी वो उपस्थित नहीं हुए और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनके केस को देहरादून से अन्यत्र ट्रांसफर भी किया गया, और साथ में वहां के SSP जो जोशी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे उनका ट्रांसफर भी किया गया। तो ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो अपने आप में ये दिखाते हैं कि उत्तराखंड में सब कुछ सही नहीं चल रहा। आज मुख्यमंत्री का जो ये चेंज हुआ है, हम तो इसको मुख्यमंत्री रोल बैक योजना के रूप में हम इसको देखते हैं कि 11 मुख्यमंत्री 11 साल में 7 मुख्यमंत्री और 8वां जल्दी आपके सामने आएगा, और पता नहीं 57 के मैंडेट में से कौन सा नगीना ये छांट के निकालेंगे। हो सकता है वो पॉली हाउस घोटाले में शामिल व्यक्ति हो सकता है वो पुस्तक घोटाले में शामिल हो। तो मुझे लगता है क्योंकि घोटालेबाजों की पार्टी है, घोटालेबाज कंपनी है, निश्चित ही कोई ना कोई नया घोटालेबाज उत्तराखंड को लूटने के लिए दोबारा भेजा जाएगा, और एक
अंतिम विषय में जरूर छेड़ना चाहूंगा, ये मुख्यमंत्री जो चेंज हो रहे हैं इसमें ये इतना साधारण नहीं है जितना दिख रहा है। आर्टिकल 151 ए बी इन सब चीजों को अगर आप दरकिनार कर दें, सल्ट में मौका मिला था कि वो चुनाव लड़ लेते, लेकिन वो सल्ट के चुनाव में नहीं गए और ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन जो असली मुद्दा है वो ये है कि निशाना तीरथ नहीं है, निशाना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चैलेंज इस देश के प्रधानमंत्री को किया, और जैसी उनकी फितरत है प्रधानमंत्री जी की, वो टॉलरेट नहीं करते, जैसा मैंने देखा है आज तक उनके कार्यक्रमों से, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी का जो हाल किया, तो ममता जी ने जिस तरीके से उनको पोक करने का काम किया, आज ममता बनर्जी को चुनाव से रोकने की चुनौती इनके पास है। और जिस तरीके से संस्थानों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो ये चाहेंगे कि तीरथ की बलि भले ही चढ़ जाए लेकिन ममता बनर्जी चुनाव लड़ने से बाहर हो जाए। तो यही सब आपके बीच में लाना चाहता था। मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह एकदम 9 बजे प्रभारी महोदय ने ये प्रेस रखी, उसके बावजूद आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब जैसा कि हमने आपको बताया कि माननीय हरीश रावत जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, तो मैं अभी उनको फोन पे कनेक्ट किया है एंड ही विल एड्रेस यू ऑन फोन। सर आई एम कनेक्टिंग यू, आप बोलिएगा प्लीज। हेलो दोस्तों, मैं आप सबसे समाज चाहता हूँ। मैं आपके सम्मुख नहीं आ पाया, बहुत हाई फीवर में हूँ, और इसलिए मैंने देवेंद्र से कहा कि मैं 2 शब्द यदि मुझे आप अनुमति दें तो मैं मोबाइल पर ही आपसे बात कर लूंगा। देहरादून में जो भाजपा का हाई ड्रामा चल रहा है, ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। बोलिए सर, वी आर लिसनिंग। कॉल आ रही है ना। हेलो, जो देहरादून के अंदर, हेलो, देहरादून के अंदर जो भाजपा का हाई ड्रामा चल रहा है, वो उत्तराखंड की जनता का अपमान है। ये 2017 में सत्ता में आए थे, प्रचंड बहुमत आया था, प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार देने का वादा किया था, कहा था कि डेवलपमेंट होगा, हम आपको डबल इंजन की सरकार देंगे, एक देहरादून में और एक दिल्ली में। दोनों सरकारें बनी, दोनों सरकारें अस्तित्व में भी हैं, लेकिन उत्तराखंड के हिस्से में 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जुड़ गए और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने की कगार में आज चयनित होगा। और भाजपा ने, यदि आप अनुमान लगाइए, हमारे 20 साल के राजनीतिक इतिहास में राज्य के 8 भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के तरफ उनका नाम लिखा जाता है, नित्यानंद स्वामी जी से लेकर के और ये लाइन अब तीरथ सिंह इसमें लेटेस्ट एंट्री है, और जो व्यक्ति अब चयनित होगा वो फिर वो लेटेस्ट बन जाएगा। तो भाजपा ने न उत्तराखंड की किसी समस्या का समाधान किया, उन्होंने पलायन रोकने की बात कही थी, आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक, देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी, आज उत्तराखंड के अंदर शिक्षित बेरोजगारों का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो गैर शिक्षित बेरोजगार भी हैं उनका प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बिल्कुल ठप है। और एक बहुत ही कुंभ के दौरान जो कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग का घोटाला हुआ,
उसके लिए उन्होंने हम पर एक दाग और लगा दिया। सारे देश का एक सवाल कि ये उत्तराखंड में क्या हुआ, कि तो कोरोना संक्रमण के टेस्टिंग का घोटाला हुआ उसको लेकर के हम शर्मसार हुए। और इन्होंने कुछ विद राज्य को नहीं दिया और केवल केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री की लाइन लगा दी। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह जी, उनको बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में हटाया गया। वो वित्त मंत्री भी थे, बजट पेश किया था उन्होंने, बजट पर चर्चा चल रही थी, बजट जिस दिन पारित होना था उस दिन भाजपा नेतृत्व ने उनको जो है मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया। और जो लेटेस्ट एंट्री है तीरथ सिंह जी को लेकर के भाजपा नेतृत्व ने पहले से गंभीरता नहीं दिखाई। आखिर वहां इतने लीगल एक्सपर्ट हैं भाजपा के अंदर, किसी ने तो इस बात को इंगित किया होता कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना जरूरी है और 6 महीने के अंदर, और यदि अवधि 1 साल से कम है विधानसभा की तो वहां फिर चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको जिस समय सल्ट का उपचुनाव हो रहा था उस समय चुनाव लड़ाया जा सकता था या उसके आसपास ही इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ाया जा सकता था। और अब कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल की दुहाई दे करके कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के दौरान हम जो है चुनाव नहीं करवाएंगे, उसकी दुहाई दे करके भाजपा अपने इस सर्वनाश नेग्लिजेंस के लिए से बचने की कोशिश कर रही है, उसकी आड़ में बचने की कोशिश कर रही है। मैं हम उत्तराखंड इसकी निंदा करता है, ये उत्तराखंड की देवभूमि का अपमान है और भाजपा को जिसको उत्तराखंड ने सर्व आंखों पर बिठाया और उस भाजपा ने उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता दी है और ये राजनीतिक अस्थिरता देने कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड कांग्रेस भाजपा की मजम्मत करती है, उनकी निंदा करती है। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे सम्मानित विधायक आदेश चौहान जी हमारे बीच में हैं, लेकिन मैंने इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि आदेश चौहान हमारे सम्मानित विधायक हैं, वो हमारे बीच में हैं। एनी क्वेश्चंस? सवाल है पहले आपकी, तरुण जी मैं तो ये पहले भी कहा कि हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऊपर वाला ये सद्बुद्धि दे और उत्तराखंड की अहमियत को समझते हुए उत्तराखंड की तरफ लापरवाही वाला व्यवहार करते हुए कुछ ऐसे एक ऐसे मुख्यमंत्री को इनको इस समय देना चाहिए जो कम से कम इस तरीके नरगल बातें ना रखे और जिसके साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा जुड़ा ना हो। Can I add said something, प्रणव जी can you hear me? सिद्धार्थ भाई मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं। देखिए कांग्रेस में एक प्रक्रिया होती है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से सबकी सलाह राय मशवरे के बाद एक ऐसा उचित फैसला लेना चाहते हैं जिसमें हम आगे तक उसको मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हो सकें, एक ऐसा फैसला जो उत्तराखंड की जनता के लिए मजबूती और संबल प्रदान करे। हम कोई भी जल्दी में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह हर 3 महीने में 4 महीने में मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति को बदलना पड़े। एक मिनट, मैं इसमें संदीप जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, एक मिनट उनको प्रणव कुछ ऐड करिएगा। मैं माफी चाहूंगा देवेंद्र जी की बात को इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि तरुण जी ने एक प्रश्न पूछा था कि आप चाहते क्या है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का निकम्मापन, नाकारापन
उत्तराखंड के साथ जाति और जुल्म और जबरदस्ती, उत्तराखंड के साथ धोखा, उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात प्रदेश और देश की जनता के सामने उजागर हो। क्या इससे बड़ी नालायकी किसी नेतृत्व की हो सकती है? जैसा मुझसे पहले सभी सम्मानित साथियों ने कहा, दो टेन्योर में भाजपा के आठवां मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। जो पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, जो पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर किसी व्यक्ति को नहीं रख सकती, क्या वो पार्टी सत्ता चला सकती है देश और प्रदेश की? ये देवभूमि उत्तराखंड और साथ साथ देश के लोगों को निर्णय करना है। एक साथी ने कहा, और मैं आपको वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, वो मोदी जी हों या नड्डा साहब हों या वहां 57 विधायक लेकर भी कुर्सियों की बंदरबांट को अगर आप समराइज करें तो वैसे तो महाराज साहब ने किया, पर वहां अब जो है असलियत वो ये है, आवत है, जावत है, खावत है, खोवत है, पावत है, भगावत है और उत्तराखंड आहत है। ये उत्तराखंड की कड़वी सच्चाई बन गई है। इसलिए देश और प्रदेश से चुनी हुई सरकार के माध्यम से, लोगों की वोट के माध्यम से जितना जल्दी भाजपा को चलता किया जाए वो बेहतर है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ सुप्रिया जी, करण जी का कहने का तात्पर्य ये है, जैसा हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी, क्योंकि आदरणीय ममता जी आज चुनी हुई मेंबर ना होने के बावजूद वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पुनः 6 महीने के अंदर अपना मैंडेट साबित करना पड़ेगा और चुनकर वापस विधानसभा में अपना आना पड़ेगा। करण जी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कहीं ना कहीं इस सारी साजिश में ममता जी जो एक संबल बनी थी, एक मोदी जी और अमित शाह जी के जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के चुनाव को जीता था और अपना वर्चस्व वहां पर सभी के सहयोग से उन्होंने वहां पर रखा था, तो कहीं ना कहीं ये इस सारी साजिश से वो भी बू अवश्य नजर आती है। मोहित भाई, हमने स्पष्ट किया, देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिश के तहत, या उनकी नासमझी की बात मैं कहूं, वो लगातार लोगों को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे चुनाव में झोंकती रही है। हमारी ये स्पष्ट, जैसा कि रणदीप जी ने भी कहा, हमारी स्पष्ट ये सोच है कि जिस तरीके का अस्थिर माहौल, जिसके तहत भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिसके तहत बेटी हमारी असुरक्षित महसूस करती है, उस सबसे छुटकारा मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि जो 6 महीने 8 महीने बचे हैं उसको एक ऐसे नेतृत्व के साथ वो सरकार वहां पर बनाए जो कम से कम लोगों की भलाई नहीं कर सकती तो कम से कम बुराई ना करे। थैंक यू। और कोई? थैंक यू, धन्यवाद। सुरजेवाला जी से बोल रहे हैं।
रणदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रांस का जो फियास्को अभी चल रहा है और उसके बारे में, राफेल के बारे में आप अपनी बात रखें। रणदीप जी। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं, उस पर बड़े सनसनीखेज तथ्य है, उनका रहस्य उद्घाटन आज हुआ है। इस बारे में हम आपको बहुत जल्द अगले कुछ देर के बाद एक विशेष पत्रकार वार्ता कर पूरे तथ्यों की सूचना देंगे। आज क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके कर रहा है, आज ये विशेष पत्रकार वार्ता उस लिए है। अगले एक से दो घंटे के अंदर हम इस पर एक व्यापक वक्तव्य आपको देंगे जो आपने पूछा है, कृपया इंतजार करें। देखिए, मैं उत्तराखंड में हमारे जो संगठन है वो बहुत मजबूती के साथ हर उस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। 4.5 साल में जब जब जो जो मौके आए, चाहे कोरोना काल में सेवा का मौका मिला हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिला हो, उन सभी मुद्दों पर हमारा संगठन मजबूती के साथ, चाहे सड़क पे हो चाहे विधानसभा में हो, अपनी बात को मजबूती से रखता आया है। ऊपर वाले की के सामने किसी की चलती नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, और इंदिरा जी के रूप में सीएलपी लीडर, और माननीय हरीश रावत जी जैसे सीनियर नेताओं का साथ हमें हमेशा रहा है। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार इंदिरा जी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित ही हमारे एक सामने सीएलपी लीडर का एक मुद्दा हमारे सामने है और जल्द ही हम उसके ऊपर अपना जो भी फैसला होगा, जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम सभी से सलाह मशवरा करके कोई फैसला लेते हैं, ताकि आने वाले समय की मजबूती के साथ हम अपने जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उसको रख सके। थैंक यू।